क्या आपने पहले ढोकला और इडली एक साथ बनाया है? नहीं ना, तो चलिए आज देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। आप 150 ग्राम यहाँ पर बेसन ले लें और उसे पहले छान लें। अगर आपके पास 200 ml का कप है तो आप उससे 1.5 कप बेसन ले सकते हैं, पर यहाँ पर बेसन को छानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप इसमें 2 tablespoons रवा डाल दें सूजी और 2 tablespoons पीसी हुई शक्कर। ढोकले में जब सभी चीज़ें सही मात्रा में हो तो ढोकला बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेजरमिंग स्पून यूज़ किया है। और फिर आप इसमें डाल दें 1 teaspoon नमक और फिर इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच नींबू का रस। नमक की मात्रा आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नींबू का रस डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें एक साथ। मैंने यहाँ पहले थाली यूज़ किया था, अब मैं इसे एक गहरे बर्तन में डाल रही हूँ ताकि मैं इसका एक अच्छा सा ढोकले का बैटर बना सकूँ। आप ढोकला बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई गहरा बर्तन ही यूज़ करें ताकि आप इसे अच्छे से फेंट सकें, क्योंकि ढोकले के बैटर को हम काफ़ी फेंटेंगे। ये देखिए, पहले मैंने सारा मिक्स अच्छे से मिला लिया है, शक्कर, नमक और रवा। उसके बाद आप 1 कप पानी डाल दें। यहाँ आप याद रखिएगा कि 1 कप पानी आप धीरे धीरे करके ही डालें, एक साथ ना डालें। इससे ढोकले में लम्स नहीं पड़ेंगे, नहीं तो कई बार होता है कि ढोकले में कुछ ऐसे लम्स आ जाते हैं जो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि आपको ये एक ही डायरेक्शन में ही फेंटना है, आगे पीछे करके आप इसे बिल्कुल भी ना फेंटें, नहीं तो जो ढोकला है वो अच्छा स्पॉन्जी नहीं बनेगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा 1/4 teaspoon हल्दी डाला है ताकि इसमें अच्छा ढोकले का येलो कलर आ सके। और फिर इसे आपको 2 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। आप इसमें किसी हैंड मिक्सर का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, आप इसको हाथ से ही फेंटिएगा। और 2 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसमें 1 teaspoon ऑयल डाल दिया है और इसे फिर से आप करीबन 5 मिनट तक फेंटिए और ये देखिए, और इसे फिर आप ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इडली का बैटर मेरे पास पहले से रखा हुआ था, मैंने उसमें नमक डाल दिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर मैंने एक गहरा बर्तन लिया है, आप इसमें ढोकले का जो बर्तन होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर सादा मैंने एक ऐसा बर्तन लेकर उसमें तेल लगा लिया है। फिर मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच इडली का बैटर डाल दिया है। आप चाहे तो 2 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, जितना मोटा आपको इडली का बैटर चाहिए उतना, पर 3 बड़े चम्मच यहाँ काफ़ी हैं। इडली का बैटर डालने के बाद आप इसे 5 मिनट भाप में अच्छी तरीके से पका लें। और जब तक ये पक रहा है हम इसके लिए हरी चटनी तैयार करते हैं। हरी चटनी के लिए लिया है मैंने 1 handful मतलब 1 मुट्ठी अच्छा हरा धनिया और 1/2 मुट्ठी पुदीना की पत्ती और 1 हरी मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा और नमक आपके स्वाद के अनुसार। आप हरी मिर्ची यहाँ ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। और फिर 1 चम्मच पानी के साथ मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना ली हूँ और फिर आप इसमें 1/2 नींबू का रस डाल दें ताकि जो हरी चटनी है उसका कलर बहुत अच्छे से रहे। और ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और इडली थोड़ी सी पक चुकी है। बस हमें इडली यहीं तक पकाना है। कैमरे में थोड़ा सा स्टीम आ चुका है, तो आप ये देखिए, ये जो हरी चटनी हमने पीस के रखी थी उसका मैं ऊपर एक अच्छे से लेयर बना लूँगी। आप चटनी को पूरे अच्छे तरीके से इडली बैटर के ऊपर फैला लें ताकि ये जब हम इसके ऊपर ढोकले का बैटर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। आप इसे चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लें और ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, ढोकले का बैटर जो है वो अब थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। फिर आप इसमें 1 इनो का पाउच डाल दें। आप कोई फ्लेवर वाला इनो ना लें, नींबू का फ्लेवर इसमें चल जाएगा।
बाकी कोला फ्लेवर या कुछ भी दूसरे फ्लेवर्स आते वो इसमें मिक्स बिल्कुल ना करें। और मिक्स करने के बाद आप इसे इमीडिएटली, मतलब उसी वक्त आप इसे बैटर को, इडली बैटर के ऊपर डालेंगे। इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इनो डालते ही ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी सा हो जाता है। और फिर ये देखिए, ये कितना हल्का हो गया है। और ये चटनी जो हमने फैलाई हुई थी इसके ऊपर, वो हल्का सा सेट हो गया है। फिर आप इसके ऊपर डाल दें ढोकला का बैटर। आप इसे पूरे अच्छे तरीके से फैला लें। इनो डालने के बाद आप बैटर को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। अगर आपको ये रेसिपी दो बार में बनानी है तो आप हाफ हाफ इनो का पाउच डालकर फिर आप हाफ बनाएं। इसे ढककर 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम में भाप में पका लें। और ये देखिए, 15 मिनट के बाद जो ढोकला है और इडली, वो अच्छे से पक गई है। चाकू से आप इसे चेक कर लें। अगर चाकू में थोड़ा सा बैटर आ रहा है तो आप इसे 5 मिनट और पका लें और आप इसे रूम टेम्परेचर में अच्छे से ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने लिया है 3 चम्मच तेल, और गैस आप मीडियम ही रखें और तेल को गर्म होने दें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच सरसों। सरसों फूटने में डाल दिया है मैंने करी पत्ता और 1 हरी मिर्च। आप चाहे तो लाल सूखी मिर्च भी ले सकते हैं तड़के के लिए। और फिर मैंने डाल दिया इसमें 1 मुट्ठी या 1/2 कटोरी बारीक हरा धनिया। आप इसे मिक्स कर लें अच्छे से। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच नमक। जी हाँ, तड़के में भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और फिर इसमें आप डालें 1/2 कटोरी पानी। पानी डालने के साथ ही आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डालें। मैं डालना भूल गई थी, बट आप डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए, ढोकला जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। और जैसे हम केक को साइड से चाकू से निकालते हैं, वैसे ही मैंने अलग कर कर एक प्लेट में निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा क्रम्स हैं आप उसे अलग कर लें। और फिर चाकू से आप इसे चौथाई शेप या जैसा भी शेप आपको पसंद है वैसा आप काट लें। ये देखिए, ढोकला कितना स्पॉन्जी बना है। जब आपकी रेसिपी में मेजरमेंट एकदम परफेक्ट हो तो ये बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैंने इसे चौकोन शेप में, स्क्वायर शेप में अच्छे से काट लिया है। काटने के बाद आप इसमें जो तड़का हमने बनाया था वो अच्छे से डाल दें। तड़का डालने में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जो ढोकला होता है वो थोड़ा ड्राई होता है, इसलिए इसके तड़के में हम पानी डालते हैं। ढोकला कभी भी आप काट के ही उसमें तड़का डालें। अगर आपको सिर्फ ढोकला बनाना है तो भी आप यही रेसिपी फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको ढोकले और इडली की 2-in-1 रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।